वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आ गई हूँ अगेन एक रिएक्शन वीडियो के साथ और फिर से हम कर रहे हैं स्टार प्लस के न्यू एपिसोड का रिएक्शन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यू एपिसोड आ गई है स्टार प्लस पे, सितारा यासीन के चैनल पे न्यू वीडियो आ गई है, तो हम करेंगे उसका रिएक्शन। आज की वीडियो काफ़ी बेहतर लगी मुझे, लेकिन पॉजिटिव वीडियो थी, बट थोड़ी सी चीज़ें मुझे सही नहीं लगी जो कि मुझे मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर। देखो, यहाँ पे आके ना आप जितना रियल रहोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा है, जहाँ तक मैंने समझी है बात। जितना आप फेक बनोगे, क्योंकि दुनिया बहुत समझदार है, लोग जो बैठे हुए हैं ना आपको देख रहे हैं अपना टाइम निकाल के, उनके पास वो बहुत समझदार हैं, वो तो इतनी इतनी सी बात को पकड़ते हैं और वो मतलब के एंड तक जाते हैं और उन्हें समझ आ जाती है कि आप कब झूठ बोल रहे हो और कब सच बोल रहे हो। तो जितना रियल रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, मैंने तो यही सीखा है अभी तक, जो भी मैंने सीखा है और आगे के लिए भी मैंने यही रखना है इंशाल्लाह ताला जितना हो सका मुझसे। बाकी ये है कि आज की वीडियो अच्छी थी, सितारा यासीन की बच्चों को दिखाया, लेकिन एक जगह पर मुझे थोड़ा सा लगा कि तैबा, जहाँ पर ये लोग खाना खा रहे थे वहाँ तैबा नहीं थी, तैबा के साथ थोड़ी सी मतलब के करते हैं ये लोग फ़र्क ना, और दूसरों के लिए पार्शियल ज़्यादा हैं, आयत और मुस्तफ़ा के लिए पार्शियल ज़्यादा हैं दोनों माँ बाप ही। और पिछले दिनों में एक वीडियो भी वायरल हुई थी जहाँ उसके फादर ने उसको थप्पड़ मारा था, तो खैर वो मुझे लगती है थोड़ी सी पार्शियलिटी बाकी दो बच्चों के साइड पर ज़्यादा है और तैबा के साइड पर कम है। और होता है बहुत सारे पेरेंट्स में ऐसा होता है, हमारे पाकिस्तान में ना बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पर किसी एक बच्चे के साथ ना फ़र्क किया जाता है, मैंने देखा है। तो ना इस तरह से करने से वो बच्चे बहुत ज़्यादा मायूस से डरे डरे से आपको लगेंगे हर वक्त ही। और देखो वो तैबा भी ऐसे ही लगती है, हमेशा डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, बच्ची कुछ बोल नहीं पाती है, अपनी फीलिंग्स का सही से इजहार नहीं कर पाती है अपने माँ बाप के साथ, ठीक है ना। तो ये मुझे लगी थोड़ी सी आज की वीडियो में। आज देखो, वरना माँ बाप को बड़ा ख्याल होता है, अगर बाकी दो बच्चों को बिठा के आप खाना खिला रहे हो तो उसको भी खिलाओ ना, कोई फिक्र ही नहीं करते हो। खैर, तो बस ये एक चीज़ मुझे लगी। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसी तरह से अच्छे अच्छे से व्लॉग बनाती रहें और एंटरटेन करती रहें, लेकिन दूसरों पर तनकीद किए बग़ैर। हाँ, दूसरों पर तनकीद किए बग़ैर अगर आपको कोई कुछ कहता है, अगर कोई मेरे साथ आके कुछ भी बोलता है, कुछ भी बुरा करता है, तो मैं उसको जवाब दे देती हूँ, ठीक है। अगर कोई मेरे साथ आके कुछ भी बोलता है मैं उसको जवाब दे देती हूँ, बराबर हो गया ना। अब मेरा यहाँ यूट्यूब पे आके ये कहने का कोई हक नहीं बनता कि फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसा किया, फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसा किया। जब आपने उसको जवाब दे दिया है, आपके अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट हो गया, आप दोनों का जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से बातचीत हो गई है, तो आपका उसके बाद यूट्यूब पे आके ये चीज़ बोलने का नहीं बनता हक। और फैमिली में तो ऐसी बहुत सारी बातें हो ही जाती हैं, तो उन चीज़ों को आई थिंक यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम भी आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगी तो बहुत अच्छा होगा। बाकी ठीक है, इसी तरह से आप भी पॉजिटिव वीडियोस बनाती रहें। और दूसरी लास्ट बात मैं ये करना चाहूँगी कि इसने अपनी वीडियो में लास्ट में कहा कि कौसर की तबीयत अब ठीक है बिल्कुल, वो अपने माँ बाप की ज़्यादा ज़रूरत है उसको इस टाइम पर। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर उसको अपने माँ बाप की ज़रूरत है, आप लोग खुद समझदार हैं कि ऐसे टाइम पे उसको किस किस ज़रूरत है। तो ठीक है, आप जाएं वापस अपने सिटी में और अपने बच्चों को लेके और अपने हस्बैंड को लेकर, और उस माँ को यहीं पर ही फेंक कर जाएं जिसने अपना बच्चे को खो दिया है। और आप लोग जाएं, इंजॉय करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप लोग। बाकी और कुछ नहीं था इस व्लॉग में कि मैं जिस पर रिएक्ट करूँ, जिन चीज़ों पे मुझे लगा मैंने किया है उन चीज़ों पे रिएक्ट। ठीक है जी, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।